बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है। और इस वक्त जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत हल्की फुल्की सी फौरी बनने वाली है, झटपट बनने वाली है। एज ए रमज़ान हल्की फुल्की रेसिपी बना रही हूँ मैं। और इसके ये जो मैं बना रही हूँ तो ये है आलू के, ज़ीरे के आलू, ठीक है, ज़ीरे के आलू। तो ये इसमें ज़्यादातर भुना हुआ थोड़ा सा सामान डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना। जो चीज़ घर में होती है बस वही चीज़ें मैं डालती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि घर में जो चीज़ें हैं उसे बना लूँ। तो अब मैंने जो इसके लिए चीज़ें ली हैं, तो मैंने सबसे पहले ये दो आलू लिए हैं, मुनासिब हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, दो आलू ले लिए मैंने। और इसके अलावा जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है तो वो चीज़ें जो है, तो उनमें आप ये देखिए कि एक दो प्याज ली है मैंने नॉर्मल, उसको भून के ये रख लिया है मैंने। और इसके अलावा जो ये ज़ीरा जो है, ये जो मैंने ज़ीरा लिया है, जो ज़ीरा जो है वो 1 टेबल स्पून है, 5 हरी मिर्चें हैं और 1/2 टीस्पून जो है वो नमक है और 1 बड़ा टमाटर है। बस ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो मैं डालूंगी वो अभी बताती हूँ। इसमें हल्दी डलेगी, साबुत मिर्ची डलेगी। तो सबसे पहले जो मैं डालूंगी ये ऑयल जो है, मैंने 3 टेबल स्पून ले ली है मैंने ऑयल की, ये 3 टेबल स्पून ले ली है। और इसमें जो सबसे पहले मैं डालूंगी तो वो है ये लहसुन डालूंगी। ये लहसुन डाला, लहसुन के बाद जो है वो मैं डालती हूँ टमाटर, और इसके साथ ही जो है ये प्याज और हरी मिर्च और ये ज़ीरा, ये नमक, ये सब डाल देंगे। एक ही साथ सब चीज़ें डाल दिए मैंने। ये देखिए ये थोड़ा सा भुन जाए तो अब इसके अंदर जो है वो 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी डालूंगी। ये हल्दी जो है ये 1/2 टीस्पून, ये 1/2 टीस्पून भी मैंने हल्दी डाल दी। अच्छा, इसके अलावा जो है साबुत मिर्च जो है ये 5-6 साबुत मिर्चें डालूंगी। ये बस ज़्यादा नहीं, 6-7 ही डाल दिए, 7 डालिए। ये देखिए भुनने के दौरान मैंने इसके अंदर पानी डाला है, अब मैं पानी डाल दूँगी। 1 गिलास भर के मैंने पानी डाला है और इसको हल्की आंच कर दूँगी बिल्कुल। इसमें और कुछ नहीं डाला मैंने, बस आप देखिए कितना हल्का हल्का महसूस हो रहा है ये सारा चीज़ें बस। और इसके बाद आप लोगों को बताया, ये मेरा मुनव्वर सुल्ताना के किचन से मैं बात कर रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल जो है उसको यकीनन सब्सक्राइब करते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है जिन लोगों ने वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहीं से आपको नोटिफिकेशन मिलता है और वहीं से मिलेगा। और आखिर में मैं आपको इसमें डिश आउट करूँगी जब ये पक चुके हैं, मुश्किल से 5 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे, 7 मिनट में, और उसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ। और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें आप लोग, और इसी तरह खाना पकाते रहें और खाते रहें। माशाल्लाह रमज़ान है, इबादत करते रहें सब कुछ करके, और फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना बनाएं ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। और आप देखिए इसमें टाइम कुछ भी नहीं लगा मुझे और मैंने बड़ी आसानी से बना लिया है। उसके बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू मुनव्वर सुल्ताना किचन। ये देखिए मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट लगे हैं इसमें, ये बिल्कुल तैयार है। इसका कलर आप देखें कितना खूबसूरत है, और ना मसाले डले, क्योंकि आपको पता है मुझे रमज़ान है, इतनी ज़्यादा मिर्चें विर्चें नहीं खानी चाहिए, उसका मैंने ख़ास ख्याल रखा है। ये मैंने डिश आउट कर रही है इसको, बहुत हल्का फुल्का सा बनाया है मैंने। ये देखिए मुनव्वर सुल्ताना के किचन से मैं बात कर रही हूँ, और ये बहुत ही आसान से बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये बहुत ही कम में 2 आलू ले मैंने इसको बनाया है, और ये देखिए डिश आउट कर रही हूँ मैं।
ये मैं इसको फ्लेम को जो है वो ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कलर आप देखिए कितना प्यारा है, क्योंकि मैंने मिर्चें नहीं डाली है इसमें, लाल मिर्च नहीं डाली बिल्कुल भी। और ये तमाम के तमाम सिर्फ दो आलू से मैंने ये बनाया है, ये देखिए। इसके अलावा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये इसकी जान होती है ये धनिया जो होता है आलू का जो बनाते हैं जो भी चीज़ उसमें धनिया का ज़बरदस्त काम करता है ये है। और बस ये बिल्कुल डिश आउट कर दिया है मैंने। आखिर में जो आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और इसी तरह से खाते पीते रहें इबादत करते रहें। रोज़े रमज़ान है, अल्लाह ताला आप लोगों के रोज़े सबके कबूल करते करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।